वेलकम बैक टू द शो. मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अपना टेलीफोन नंबर एंड नाम ईमेल कर दीजिए. आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल. ईमेल की डिटेल्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आती हैं. थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली वेट किया ब्रेक के दौरान. लेट्स टेक द अदर कॉलर. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. हेलो, मैं सवाल पूछना था कि मेरे मेरे नो मैंने वीजा एक्सटेंड कराया, अपना वीजा हुआ है 2.5 साल का. मुझे बच्चों के थ्रू वीजा मिला था, तो 2.5 साल का वीजा मुझे मिला था. मैं एक्सटेंड करने के लिए भेजा हुआ है, तो 4 महीने हो गए, अभी जवाब नहीं आया है. हमारे जो फिंगरप्रिंट है, मेरे बड़े बेटे के जमी है, तो हम हमारे जो 4 जने हैं उनके फिंगरप्रिंट आ गए, मेरे बड़े बेटे के नहीं अभी तक आए. बड़े तो बेटे की उम्र कितनी है? किसकी जी? किसकी उम्र? बड़े बेटे की. वो 17 का है. ओके, ठीक है, थैंक यू. तो दो मेरे छोटे बेटे हैं, एक 10 साल का. आपका सवाल क्या है भाई? अभी 8 साल का है. अभी आपका सवाल क्या है? तो मैंने 4 महीने हो गए, मैंने अपना वीजा एक्सटेंड करने को भेजा. मैं हुआ सब समझ गया, मुझे बता दें आपका सवाल क्या है. सवाल यही है, तो कितना टाइम लगेगा ना? ऑलराइट, थैंक यू सो मच. इस वक्त वो 6 से 8 महीने लगा रहे हैं. अगर आप लकी हैं तो शायद जल्दी आ जाए. जहाँ तक आपने अर्ज़ किया कि एक एप्लीकेंट का बायोमेट्रिक का लेटर नहीं आया, तो वो आप उनको बायोमेट्रिक वालों को दोबारा ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, खत लिख सकते हैं कि एक हमें बायोमेट्रिक नहीं आया, तो वो फिर उसको भी विद इन 3-4 डेज भेज देंगे, बिकॉज वो डिपार्टमेंट बहुत क्विकली काम करता है. थैंक यू सो मच. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने. जी बिल्कुल पूछिए. जी, मेरे मैंने फाइलम इधर किया था, तकरीबन 4 साल हो गए. मेरे बच्चे जो है ना, वो तकरीबन बड़ा 18 साल का है और छोटा बेटा जो वो 16 साल का है, और बेटी जो है वो 15 साल की है. ठीक है. तो मैंने काफी दफा केस डाला, रिफ्यूज होता गया. तो अब मैंने जो है ना जुडिशियल रिव्यू में, वो क्या होता है मुझे तो उसका पता नहीं, ये तफसील से थोड़ा बता देंगे कि क्या होता है जुडिशियल रिव्यू. और ये जो है ना, मेरे बच्चे भी वो 7 साल की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते? आपका सवाल क्या है? यही है, मुझे ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो क्या होता है. ठीक है, लेकिन आप क्या उसके बारे में पूछना चाहते हैं? ये जो ना, मैंने अपने जो मेरा वकील है उसको बोला, तो वो कहता मैंने लेटर लिखा हुआ है, तो फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया. लेटर लिखा हुआ है क्या? मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ. देखें, पहली मेरी अर्ज़ ये है, जो मैं पहले भी शो में कह चुका हूँ, कि ये शो का फॉर्मेट है इन्फॉर्मेशन देना. 2 मिनट 10 सेकंड की बात से विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बता नहीं सकता कि केस में मेरिट क्या या क्या होगा केस के साथ, बिकॉज मुझे केस के फैक्ट्स नहीं पता. इतना बता दूँ, आपने एक सवाल पूछा जो आसान था कि 7 ईयर में मेरे बच्चे आते हैं नहीं, तो मुझे नहीं पता उनको यहाँ 7 साल हो गए. लेकिन अगर हो गए एंड आपके लॉयर्स ने वो लीगल रिप्रेजेंटेशन की है, तो बिल्कुल होम ऑफिसर्स को कंसिडर करेगा अपार्ट फ्रॉम असाइलम. बात आती है कि जीआर क्या होता है. देखिए, जब आप कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं, पहली बात ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको राइट ऑफ अपील देता है. अगर कभी कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको राइट ऑफ अपील नहीं दे, तो आप ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते अपील करने. तो उस सूरत में आप जाके जुडिशियल रिव्यू परमिशन एप्लीकेशन डालते हैं कि जी मेरे पास कोई और अपील का रास्ता नहीं है, मैं हाईएस्ट दरवाजे पे जाके खटका के कह रही हूँ कि जी मुझे एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए. इन अदर वर्ड्स, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है सिंपल वर्ड में. तो अगर आपके पास ट्रिब्यूनल की अपीलें नहीं दी उन्होंने, तो आप डायरेक्ट जीआर अपर ट्रिब्यूनल में आप केसेस जाते हैं, आप उधर डाल लेते हैं कि जी मुझे और कोई मेरे पास रेमेडी, यानी कि और कोई मेरे पास तरीका नहीं है इस केस को डील करने का, तो मैं आपके पास आ गई हूँ. जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन उसको कहते हैं. या अगर आप ट्रिब्यूनल से भी जा रहे हो, तो वो फिर आप फर्स्ट स्टेट ट्रिब्यूनल, अपर ट्रिब्यूनल और फिर कोर्ट ऑफ अपील में केसेस वगैरह अपने डालते हैं. तो ये उसकी थिंकिंग है. लेकिन किस सेंस में आपका मतलब है, तो सारी बात है, जब तक केस की हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाएगी, तो मुझे पता नहीं कौन सा लेटर के आपके लॉयर आपके साथ बात कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मरियम बात कर रही हूँ. मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे. जी. पहला क्वेश्चन, मैंने यूरोपियन से शादी की है और मेरी शादी को 1 साल हो चुका है. ठीक है. और अभी उसको यहाँ पे आए हुए
तकरीबन 1.5 ईयर हुआ है, लेकिन वो अभी जो है ना इस शादी को खत्म करना चाहता है, राइट। और इसके अलावा मुझे जो कार्ड मिला है उस पे अभी जो है मेरे पास 5 साल है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, इस 5 साल को वो आफ्टर सब कुछ खत्म होने के 5 साल का वीजा वो मेरा फिनिश हो जाएगा या इसको फर्दन कैसे करूंगी, बस ये क्वेश्चन है। सेकंड ये है, जो 5 साल का मुझे वीजा मिला है, क्या मैं पाकिस्तान से किसी को बुला सकती हूँ इस वीजे पे? किस टाइप का बुलाना, विजिट पे? जी विजिट पे। जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं बता देता हूँ मिस मरियम, पहला जो आपका सवाल था 5 साल का वीज़ा आपको मिला है, जिस तरह आपको पता है कि इस वीज़े की कुछ शराइत हैं कि आप स्पाउस हों एक ईए नेशनल के एंड वो एक्सरसाइज करें ट्रीटी राइट्स। अगर आपकी शादी ब्रेक हो जाती है तो फिर जारी बात है वो 5 साल का वीज़ा होम ऑफिस आपको खत लिख देगा कि हम लोग कटेल करने लगे, हम ख़त्म करने लगे, बिकॉज अब आप स्पॉन्सर या जो आपके हस्बैंड हैं उनसे आपकी तलाक हो गई है। यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर सिर्फ 2 रस्ते हैं मेनली आपके केस के अंदर, क्योंकि बच्चा तो आपका है नहीं वरना बता देते हैं, जो आप पे अप्लाई होता है। पहली कंडीशन ये है कि आप ऑन योर ओन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी शादी को 3 साल हो जाते हैं। तो क्योंकि आपकी शादी को अभी 3 साल नहीं हुए हैं और अगर डिवोर्स उससे पहले हो जाती है तो वो वाला रास्ता तो आप नहीं ले सकती। एक और ऑप्शन होती है, अल्लाह ना करे कि अगर आप विक्टिम हैं डोमेस्टिक वायलेंस की और आपकी रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हुई है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकती हैं ऑन योर ओन अपने लिए एक वीज़ा। तो डिपेंड ये करता है कि आपके हालात किस तरह के हैं। अब जहाँ तक बात आती है विज़िट पर किसी को स्पॉन्सर करने की, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास वैलिड वीज़ा है आप किसी को भी स्पॉन्सर पाकिस्तान से कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं माजरत कर दूं कि आज मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, तो मुझे ज़रा बार बार मेरे ख्याल से वो ऑकवर्ड लगता है कि मुझे ज़ुकाम भी हुआ है, तो मैं पहले उसकी माजरत सारों से कर दूं। बट अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी पाकिस्तान से अपनी बेटी 2 साल की है, उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट की अप्लीकेशन डाली थी 2014 में, और अब 2014 से लेके अब ये 2016 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, और उन्होंने लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू भी किया है शेफील्ड ऑफिस में इसी एप्लीकेशन के लिए, और अब उसके बाद से वो 1 साल हो गया इस इंटरव्यू को भी, और वो कुछ नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं जी आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी चेक्स में है ये वो, और मैं पूछना चाहता हूँ मेरे पास क्या रास्ता है। मुझे किसी ने बताया कि तुम डिपेंडेंट वीज़ा भी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि तुम्हारी एक ऑलरेडी एप्लीकेशन इन द ऑफिस है, जब तक वो एप्लीकेशन रिजॉल्व ना हो जाए तुम डिपेंडेंट वीजा भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब 2 साल की बच्ची मेरी वहाँ पे है, अब मुझे कोई रास्ता बताइए कि मैं क्या करूँ। मतलब पासपोर्ट तो वो दे भी नहीं रहे, मना भी नहीं कर रहे, क्या है इसका तरीका? देखिए सबसे जो बेहतर तरीका भाई आपके लिए कि अपने लोकल एमपी के पास जाएं, उनसे मैं गया था उसके पास भी, उसने भी उनको लेटर लिखा, तो उसने जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उसको बोला और उसने भी वहाँ से पूछ के वही बता दिया कि भाई सिक्योरिटी चेक में है और वो कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन हो रही है, लेकिन कब सिक्योरिटी चेक खत्म होंगे ये किसी को भी नहीं पता। 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया भाई। मैं आपको ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि सब्र से काम लें। अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए और एमपी से भी आप वो नहीं है, तो फिर आप बेशक जाके जीआर एप्लीकेशन डाल दें और कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएं और उनको बोलें कि फ़ोर्स करें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि डिसीजन लें, बिकॉज ये अनड्यू टाइम लग गया है इस केस के अंदर क्योंकि मेरी बेटी पीछे अकेली है, जो भी उसके हालात हैं। तो वो आप काम कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होगी वो एप्लीकेशन, बट वो काम आप कर सकते हैं कि आप अपर ट्रिब्यूनल में जीआर एप्लीकेशन डालें। बट इस टाइप की एप्लीकेशन से पहले बेहतर है कि एक दफ़ा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आप धमकी भरा लेटर दे दें कि अगर मेरा 20-21 दिन में जवाब नहीं आया, उनका एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, यानी कि जीआर डालने से पहले आप उनको धमकी भेजते हैं कि जी मैं 21 दिन देता हूँ, मेरा काम करो जो जो आपकी लॉफुल रिक्वायरमेंट है, वरना मैं जाके जीआर एप्लीकेशन डाल दूंगा। तो वो एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिहाम बात कर रही हूँ। अगेन मेरे भी 2 सवाल है सर। जी जी पूछिए। मेरे हस्बैंड ने आईएलआर के लिए अप्लाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्वियसली 10 इयर्स रेजिडेंसी, लीगल रेजिडेंसी, और इसको 5 माह हो चुके हैं। अब क्योंकि जब इन्होंने अपना आईएलआर अप्लाई किया, मेरी भी
टाइम पीरियड यहाँ कंप्लीट हो चुका था तो आई हैड टू अप्लाई विद हिम एज वेल. बिल्कुल. सो व्हेन ही वाज अप्लाई ऑन आईएलआर हमें नहीं पता था कि मेरा क्या जाना है. तो अकॉर्डिंग टू लॉयर्स एडवाइस हमने डिस्क्रिशनरी लीव मेरे लिए अप्लाई की थी अलग से. ओके. क्योंकि मेरा आईएलआर हो नहीं सकता. आई एम हियर सिंस 2011. दो सवाल है सर कि मेरे केस के हवाले से कि हमें ये लॉयर ने कहा था कि आप डिस्क्रिशनरी लीव अप्लाई करो और बाद में उसको चेंज करके हम दूसरा जो होता है एफएम पे चले जाएंगे. ओके. क्या ये सही है? और दूसरी चीज ये है कि मेरा एक बेटा है जो 4 साल का है. एक बेटी मेरी साल की थी जब मैं इसको पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ. बिकॉज हमसे गलती हुई कि हम उसका वीजा नहीं अप्लाई किया जी. हमें अब उसको छोड़ के मैं आई थी क्योंकि मुझे यहाँ से अपना दोबारा से अप्लाई करना था वीजा अपने बेटे के साथ. वो वहां पर है, हम यहाँ पर है. और इस केस को अप्लाई किए ऑलमोस्ट 5 माह हो गए हैं, जवाब नहीं आया अभी तक. इस तरह नहीं हुए कि हम उसको यहाँ बुला सके किसी तरह से आपकी बेटी को जी. क्योंकि हम तो यहाँ पर है, मेरा बेटा जो 4 साल का है, हस्बैंड एंड वाइफ जी जी. मैं वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट. ऑब्वियसली सारा कुछ डिपेंड करता है हस्बैंड के आईएलआर पे जी जी. मेरी तो डिस्क्रिशनरी लीव अप्लाई की गई थी जिसको चेंज किया जाएगा इन द ड्यू कोर्स. जो एज पर द लॉयर्स एडवाइस के हम उसको डिस्क्रिशनरी लीव को जब डिसीजन आता है कि इनको मिल जाएगा आईएलआर तो हम उसको चेंज कर देंगे. मेरा केस के हवाले से लॉयर की एडवाइस ठीक है. और सेकेंडली बेटी को हम यहाँ किसी तरीके से बुला सकते हैं ask the home office on these grounds. Because अल्लाह ना करे अगर आईएलआर का जवाब सही नहीं आता तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर. Because he's इनको almost 11 years होने वाले हैं and he had a legal stay. We have to देखिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ. We are doing a job as well and doing business as well. So वो चीजें clear है सारी. लेकिन ये एक बीच में problem main आ गया कि अगर मुझे अगर future में जाना पड़ता है जी हम judicial review के लिए जा रहे हैं सारा कुछ तो बच्ची क्या मजीद वहाँ 1.5 साल रहेगी. I hope question में convey कर पाई हूँ. मुझे समझ आ गया आपका सवाल. देखें पहली बात ये मैं तभी जनरली एक बात कर रहा हूँ लोगों से कि जब आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं प्लीज़ सेम डे सर्विस किया करें. सिर्फ 400 पाउंड एक्स्ट्रा है, यू शुड ऑल गो फॉर इट. ताकि सेटलमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है. फिर साल बाद आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने का चांस होता है नेशनलाइजेशन का. तो मैं हर एक को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ सेटलमेंट की बात है 400 कहीं से भी मांग के भी मांगने पड़े आप जाएँ ताकि मुसीबत ख़त्म हो. जहाँ तक बात आती है कि जो 10 ईयर लॉफुल एप्लीकेशन है बिल्कुल ऑन इट्स ओन होती है. वो इंडिपेंडेंट पर्सन के जब 10 ईयर्स हों तो वो अप्लाई करते हैं. अगर उनके कोई डिपेंडेंट्स हों साथ स्पेशली स्पाउस हों तो हम लोग तो ये करते हैं FLRM डायरेक्ट डाल देते हैं. होम ऑफिस को कहते हैं कि जी FLRM इसलिए डाल रहे हैं मेन एप्लीकेंट ने 10 ईयर पर डाला है और जब उसका 10 ईयर का लग जाए तो इसको FLRM के ऊपर कंसिडर कर लें. आपके लॉयर ने कोई और एप्लीकेशन डाल के कहा कि हम बाद में कन्वर्ट करेंगे वो अपने तरीके होते हैं करने के. हम लोग डायरेक्टली डाल देते हैं बिकॉज जो 10 ईयर की पुरानी पॉलिसी थी जो रिसेंटली उन्होंने चेंज की उसमें खुद वो यही कहते थे कि आप स्पाउस वीज़ा डालते हैं और अगर आप स्पाउस पे क्वालिफाई नहीं करते तो फैमिली लाइफ के ऊपर एक वीज़ा डालते हैं. प्रॉब्लम ये है जो आप शायद पसंद ना हो आपको सुनने में कि जब तक आपका वीज़ा रिजॉल्व नहीं होता हस्बैंड का एटलीस्ट आपकी बेटी यहाँ नहीं आ सकती. बिकॉज जारी बात है वो वीज़ा देते हैं स्पॉन्सर की बेस पे और अगर स्पॉन्सर के पास ही वीज़ा नहीं है बिकॉज इस वक्त आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन पेंडिंग के अंदर है तो फिर वो बच्ची को वीज़ा नहीं देंगे. अल्लाह ना करे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो लेकिन अगर होती है एंड यू गो फॉर अपील्स या JR के लिए क्योंकि अपील सिर्फ ह्यूमन राइट पे होगी JR पे आप अगर जाना चाहें तो जो भी आप प्रोसेस करेंगे उस वक्त तक आप बच्चे को यहाँ नहीं बुला सकते. आई एम वेरी सॉरी यू माइट नॉट लाइक दिस लेकिन सिचुएशन ये है कि मेन अगर एप्लीकेंट के पास वीज़ा नहीं है तो बच्ची का वो इशू रेज करेंगे. थैंक यू सो मच. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मुझे ये पूछना था एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ. मेरे हस्बैंड मतलब इनफैक्ट यहाँ 2007 में जनवरी में यहाँ पर आए थे स्टूडेंट वीजे पर जी. और हम लोग यहाँ पर आए थे 2007 में ही अगस्त में. तो हम लोग आगे 5-6 साल बाद जाके हम लोगों ने फैमिली लाइफ पे हमने केस डाल दिया था अपना. ठीक है. अंडर 16 हमारे घर में 3 बच्चे हैं. 13 साल का मेरा बेटा है, 10 साल का बेटा है और 8 साल की बेटी है जी. और उसके बेस पे हमने डाल दिया था केस. हम लोग वो विन भी कर गए थे केस. उसके बाद फिर होम ऑफिस अपील में जाकर उन्होंने वो वहाँ से फिर वो लोग जीत गए. हम लोग फिर हमें अपील का राइट मिला, हमने दोबारा केस किया, दोबारा होम ऑफिस वाले जीत गए. फिर दोबारा तीसरी दफ़ा हमें होम ऑफिस में हमें राइट मिला, हमें दोबारा अपील में गए, फिर वो लोग जीत गए.
अब ये कंडीशन है कि इतने साल गुजर गए हैं 9 ईयर्स, तो और वो लोग ये रीज़न ये कह रहे हैं कि आप लोगों के बच्चे वहाँ जाके सेट हो सकते हैं पाकिस्तान अपनी कंट्री जाके, तो इस वजह से वो लोग हमें वीज़ा नहीं दे रहे हैं। इतने साल गुजरने के बाद अब हमारा यहाँ से निकलना एक बहुत मुश्किल है, और ऑब्वियसली सब बच्चे भी हल। आपका सवाल क्या है मोहतरमा? सवाल ये है कि अब हमें आगे क्या करना है और हम किस बेस पे आगे डाल सकते हैं। सवाल ये है कि किसी ने हमसे कहा है कि अगर आपकी जो मेरी जो बेटी है छोटी, वो अभी जून 2016 में 8 साल की हुई है, ठीक है, किसी ने कहा है कि अब आप जो है उसके बेस पे 10 साल की जब वो हो जाए तो आप उस बेस पे केस डाल सकते हैं, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिल जाएगा। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अभी मैं आपका प्रोग्राम देखी थी तो आप उसमें कह रहे थे कि अगर किसी बच्चे की कोई डिसेबिलिटी वगैरह अगर आप प्रूफ करें ऐसा कुछ, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा डिसेबल तो नहीं है, लेकिन जो मेरा दूसरा बेटा है उसको डायबिटिक हुई है अभी 2 साल पहले, जी जी, ही इज 10 ईयर ओल्ड, तो आई डोंट नो कि ये डिसेबिलिटी में आता है या नहीं, या इसकी क्या कंडीशन है, या इसकी बेस पर हम केस डाल सकते हैं या नहीं, या फिर हम अपनी बेटी के यहाँ पे 10 सालों का होने का वेट करें फिर हम केस डालें, तो प्लीज आप इसमें हेल्प जी करें। मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। पहले जी मैं छोटी सी बात कर दूं आपसे कि जब तक मैं आपका केस नहीं पढ़ूंगा, आई एम वेरी सॉरी जी, आज मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे बताया जाता है कि आखिरी कॉलर हैं, तो इसके बाद फिर आपका शो ख़त्म भी कर देंगे। देखें, वो तो आपका केस पढ़ के मैं बता सकता हूँ कि क्यों होम ऑफिस बार बार जीत रहा है, बिकॉज़ एक कोर्ट ऑफ अपील में केस आया हुआ है जिसमें जज ने कहा है कि जिन बच्चों की उम्र 11 साल से ज़्यादा है और उन्होंने इस कंट्री में 7 साल गुजार लिए हैं, उनके बड़े एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज होने चाहिए कि होम ऑफिस की तरफ से उनको यहाँ से निकाला जाए, यानी कि वो चीज़ जो एज है बच्चों की वो आपके फेवर में है, तो उसके बावजूद आप क्यों हार रही हैं वो तो केस पढ़ के बताया जा सकता है। जहाँ तक एक और बात है, बिल्कुल अगर आपके बच्चा जो यहाँ पैदा हुआ है अगर उनको 10 ईयर्स पूरे हो जाएँ तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यानी कि कहते हैं उसको, और अगर उनको पासपोर्ट फिर वो लोग दे दें तो आपका केस और भी जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं वीज़ा हाल में मिल जाएगा, बट केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो कि मेरी नज़र में आपका केस ऑलरेडी बड़ा आर्ग्यूबल है, बिकॉज बच्चों की उम्र 11 साल से ऊपर है और वो कोर्ट का एक केस भी आया। अब क्यों आप बार बार हार रही हैं, जीत रही हैं, क्या हो रहा है, तो वो तो कागजात पढ़े बगैर नहीं कोई बता सकता, बट ये ऑप्शन हैं आपके पास। मुझे बताया जाता है कि हमारा टाइम पूरा हो चुका है, मैं पहले बहुत माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि आज ज़रा मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो बीच में मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम वगैरह भी हो गया, तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। जहाँ तक बात आती है कॉन्टैक्ट की, डिटेल्स आती हैं, अगर आप शो के बाद कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो अपना नाम एंड टेलीफोन नंबर ईमेल पे भेज दीजिए। आपसे अब अल्हम्दुलिल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।